तो दोस्तों एसएससी जीडी की जो बीएसएफ सीआईसीएफ एसएसबी आईटीबीपी के कट ऑफ मार्क के बारे में इस बार जो होगा बहुत लड़का पूछ रहा है, तो इनके बारे में आज का पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान से बात को सुनिए। तो बात ऐसी है दोस्तों, आप लोग अभी भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा बीएसएफ में, सीआईसीएफ में, एसएसबी में, तो अभी भी दो आपका टेस्ट बाकी है, दो स्टेप बाकी है। पहला है मेडिकल टेस्ट, दूसरा है फाइनल मेरिट टेस्ट। ये होने के बाद ही आपका लिस्ट निकलेगा, आपको बीएसएफ में मिला या सीआईएसएफ में मिला या एसएसबी में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस से मतलब नहीं रहता। कोई अगर एनआईए दे दिया, उसको क्या एनआईए में मिल जाएगा? इतनी आसान होता तो बहुत लड़का तो अपना चॉइस से नौकरी मिलता, ठीक है ना। तो इसीलिए मेडिकल की फोकस करिए, मेडिकल के लिए कि मेडिकल आसानी से पास हो जाए। तो आसानी से पास होना इतनी आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत चाहिए। एसएससी का मेडिकल जो होता है हार्डली होता है, इतना आसान नहीं है स्टेट पुलिस की तरह। आपका समस्या है तो आपको रीमेडिकल, आपका समस्या नहीं है तो आपका डायरेक्ट फिट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर आपका देखा जाएगा कि नंबर क्या है लास्ट लिस्ट में, उसी हिसाब से आपको चढ़ा जाएगा आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट में। तो मान लीजिए कोई लड़का आपसे ज़्यादा नंबर मिला तो सोच रहा है यार मेरा को तो नौकरी मिल ही गया है। ये गलत फहमी मत रखिए कि वो मेडिकल में कहाँ फेल करेगा, कोई गारंटी नहीं। पूरा शरीर में कोई ना कोई समस्या, हर किसी को छोटे मोटे रहता है, छोटे मोटे समस्या के लिए रीमेडिकल देता है। रीमेडिकल अगले दिन ही होगा, फेल हो जाओगे। डरना नहीं है, समस्या को दूर करना है, तभी पास हो जाओगे, तभी हिम्मत बढ़ेगा। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, कटअप के बारे में मत सोचिए, बस दिमाग में एक ही चीज़ रखिए, जब मेडिकल के लिए हमको तैयारी होना है, मेडिकल हम डायरेक्ट फिट हो जाए, बस नौकरी पक्का। टेंशन मत लीजिए, जो होगा आगे की बात देखा जाएगा। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्त को भी शेयर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।